नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है एडवोकेट प्रदीप कुमार जी, जो कि बहुजन समाज की जानी मानी हस्ती हैं और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ITI क्यों जरूरी है, जरूरी है या नहीं, और इसे क्यों ख़त्म किया जा रहा है। जी, जो RTI है, इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये 2005 में लागू किया गया था। और जब ये लागू किया गया तो उसके बाद में इस एक्ट के द्वारा मात्र 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके हम कोई भी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार के कोई भी कानून हैं, जो वो हम जानकारी ले सकते थे। उसके बाद में जब हम लोगों ने ये RTI एक्ट के तहत जो RTI कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये सूचनाएं एकत्रित करनी शुरू की, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह के थे, जो भ्रष्टाचारी थे और जो सरकारी विभागों में बहुत बड़ा घोलमेल कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें होने लगीं। ऐसे जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, जो सरकारों में ऐसे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को ना दे करके वो खुद अपने आप को जो है मजबूत कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उससे जो पीड़ा होने लगी। ऐसा कई जगह हुआ कि जो RTI कार्यकर्ता थे, RTI कार्यकर्ताओं के हाथ काट दिए गए, RTI कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, क्योंकि वो जन सेवा के लिए, अपने जो समाज के लोग हैं उनकी सेवा के लिए वो RTI मांग रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी विभागों से RTI मांगी हैं, क्योंकि RTI हमने इसलिए मांगी, हमारा उद्देश्य था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी हैं, जो जगह आज भी खाली पड़ी हैं, जो आप देखेंगे कि जो ए ग्रेड की सर्विस है, जो सचिवालय हैं, वहाँ पर आज भी हमारे लोग नहीं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। तो उसकी हमने भी 10-10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके हमने भी उसकी जानकारी एकत्रित की, पूरे उत्तर प्रदेश से की, सारे विभागों से की। तो एक ऐसा साधन, ऐसा सबसे सुलभ और सस्ता साधन कि 10 रुपये का आप कोई भी आम व्यक्ति उसमें पोस्टल ऑर्डर लगा करके जानकारी ले सकता था, लेकिन आज इस भारत के अंदर जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा हो रही है उस RTI एक्ट से। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो हम गलत कर रहे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं वो गलत हैं, और उसका कोई, जो लोग आज RTI के तहत मांगना चाह रहे हैं सूचनाएं, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य उसको ख़त्म करने का चल रहा है। तो इस पर जो आम नागरिक हैं, जो RTI कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तेजित हैं और कहीं ना कहीं परेशान हैं कि ऐसा एक एक्ट जिसके द्वारा एक गरीब व्यक्ति भी 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके मांग सकता था जानकारी, उसको आज सरकार ख़त्म करना चाह रही है, जो बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही पीड़ादायक है। और ख़ासकर ये दबे कुचले और जो गरीब लोग हैं, जो समाज के मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो जानकारियां लेते थे उस तरह से, चाहे आप राष्ट्रपति कार्यालय से जानकारी लें या प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी लें, हम जो भी जानकारी ले सकते थे, आज उस चीज़ को, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्ट आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री महोदय से संबंधित भी जो RTI कार्यकर्ता थे, उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सरकार है, सरकार में जो लोग प्रधानमंत्री स्तर तक या केंद्रीय स्तर तक वो लोग बैठे हैं, और उनकी हम सही जानकारी ले रहे हैं कि आपकी जाति क्या है। प्रधानमंत्री महोदय की आज तक जाति नहीं पता, उनको जाति के बारे में RTI एक्ट के तहत जो RTI कार्यकर्ता ने पूछा कि आपकी जाति क्या है, ये RTI कार्यकर्ताओं ने ये पूछा प्रधानमंत्री महोदय से कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज तक उस चीज़ का जवाब सटीक नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार इन चीज़ों को दबाने के लिए, क्योंकि ऐसे ऊपर लेवल पर RTI के तहत ये जानकारियाँ मांगी गई, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ऐसा महसूस हुआ है कि आज RTI के तहत हमारी जो जानकारी है, वो जानकारी जो हम जिनको नहीं दे सकते, उनको जो है मांगने की कोशिश की जा रही है। तो ये RTI जो एक्ट है, इसको ख़त्म करने की सरकार जो एक योजना बना रही है, इस तरह से बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए अगर हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं, बुलंदशहर में जो भी हम आंदोलन कर सकते हैं इसके लिए करेंगे, क्योंकि ये RTI एक्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो सरकार की कार्य योजना है, जो प्रशासन की कार्य योजना है, जो आम जनता तक पहुंचती हैं, उनकी कहीं ना कहीं सही इससे जानकारी मिलती है, तो हम इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए संघर्ष किया जाएगा, आंदोलन किए जाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अशोक कुमार जी का, जिन्होंने हमें अच्छे से बताया कि
ITI क्यों जरूरी है और इसे क्यों खत्म किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।